वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। और आज मैं आपको अपने फेवरेट यूट्यूबर्स के नाम बताने वाला हूँ, मतलब उनके चैनल के नेम्स। चलिए मैं बताता हूँ। पहले नंबर पे आता है सौरव जोशी व्लॉग्स, दूसरे में आता है टेचनो गेमर्स, और तीसरे में आता है, मुझे थोड़ा याद नहीं है, पहले मैं देखता था, हाँ, आयु एंड पीयूषो। ऐसे तीन वीडियोस मैं देखता हूँ, मतलब तीन चैनल्स। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। मैंने आपको बता दिया और अब आपको दिखाता हूँ आज का व्लॉग। चलिए देख सकते हैं, मैं निकल आया हूँ बाहर। ये कितनी बारिश हुई है यहाँ, पूरी बारिश से पूरा भींगा पड़ा है जगह। ओल के पेड़ भी बहुत बड़े हो रहे हैं। गाँव में ऐसे खाना बनता है, इस पर खाना बन रहा है और ये यहाँ को ना खाना बना रही है माँ। कपड़ा देख सकते चावल बन रहा है यहाँ पे, ऐसे लकड़ी लगाते हैं यहाँ पे, पूरा ये क्ले का बना हुआ है, पूरा ये क्ले का बना है। नदी किनारे से लाते हैं क्ले सब, उसी से बना है। कुछ कुछ तो ऐसा भी जो गोबर से बना रहते हैं, बड़े वैसा नहीं, थोड़ा बड़ा है। और यहाँ पे स्टोव भी है जिसपे हम लोग बनाते हैं अपना खाना वगैरह, उसमें ना केरोसिन से चलता है, केरोसिन स्टोव। उसमें हम लोग प्रेशर देते हैं तो ना फिर उसमें तेल निकलता है, तो माचिस मारते हैं, फिर वहाँ पे उसका तेल रोकने वाला होता है, रुका हुआ होता है। हाँ हाँ यूट्यूब में दादाजी हैं बोल रहे हैं, मैथिली में बोल रहे हैं कि माँ की मदद कर दो, तो मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है मदद करते हैं माँ की। यूट्यूब में बना रहा वीडियो, मुझे इतना तो नहीं बाकी, हाँ फिर यूट्यूब में डालूँगा। देखा ना बोल रहे, मैं बताने वाला हूँ केरोसिन स्टोव में थोड़ा प्रेशर मारोगे केरोसिन निकलेगा, फिर माचिस मारी आग लगेगी, उससे प्रेशर तेज़ और कम वाला होता है ना, उससे प्रेशर बढ़ाइए, उससे फिर उसमें ना गैस की वजह से आने लगेगा, आग चलेगी, फिर से आग लगाओ उस ऊपर में, फिर उसे प्रेशर दीजिए, फिर गैस की वजह से बन जाता है वो स्टोव। मैं आपको दिखाऊंगा कल के, मतलब दिखाऊंगा स्टोव, तो कभी होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। वैसे 5 दिनों बाद तो मैं जाने ही वाला हूँ, यहाँ से दिल्ली जाने वाला हूँ। शायद ट्रेन का व्लॉग बनेगा या फिर नहीं, पता नहीं। तो मैं बता दूं कि इतने दिनों से मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहा था, मेरी तबीयत ख़राब थी। और आप में से कुछ लोग बोल रहे हो, सोच रहे होंगे कि मुझे कोरोना हो गया, ऐसे बात नहीं है, आप लोग मजाक कर रहे हो मैं जानता हूँ। तो मैं उन्हें बता दूँ कि मेरी तबीयत इसलिए ख़राब था, हल्का सा फीवर हो गया था। आपने देखा ही इतना बारिश हुआ है, पहले धूप बहुत था, धूप से ना हल्का सा लू लग गया शायद था, और अब बारिश हुआ तो ठीक हुआ मेरा सब लोग। और यहाँ खाना बन रहा है, देखो पूरा आग लगा हुआ उसके अंदर, लकड़ी लगाई गई है, इसे हम लोग भानस बोलते हैं बिहारी संस्कार में। अरे बाबा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो यहाँ से लकड़ी डालते हैं इसके अंदर, भी पूरा आग लग रहा है, सारी लकड़ियाँ हैं, देखो याद लग जाएगा, निकला लकड़ी, हाँ हाथ में चुभता भी है वो, छोटे से देखा था, ये है छोटी लकड़ी, इसको देखिए यहाँ से ऐसे डालते हैं, आग लग जाती है, नीचे से डालते हैं, मैं तो ऊपर से मारता हूँ, भन भना भन भन। चलिए आज चलिए हम बाहर चलते हैं, बाहर चल के हम लोग आज का व्लॉग बहुत स्पीड में शुरू करेंगे। आपके रूम में, बस सॉरी मेरे रूम में, दादी को पता नहीं वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब के बारे में, दादी को पता नहीं इसलिए वो पूछ रहे थे। अच्छा आइए मैं आपको अपने गांव में दिखाता हूँ अपना जनरेटर, ये देख सकते हैं हमारा जनरेटर है, जब लाइट नहीं होती तो चलता है यहाँ, वो देख रहे हैं वहाँ जो बना हुआ है, वहाँ बहुत मच्छर है, यहाँ पर वहाँ पर जो देख रहे हैं ना गोल चक्का बना, वहाँ से चाबी आती है, उसे घुमाते चलती है और यहाँ से धुआँ निकालता है। पहले ये बोरवेल वाला था, उसे हम लोग ने बना दिया जनरेटर, पूरा पेंट किया, और वो देख रहे हैं ना इसे खींचते हैं,
साइड करते हैं तो उससे चलता है। अमरूद का पेड़ ये देखिए, हमारा ट्रैक्टर है ना, अभी ट्रैक्टर गया खेत में, मैं खेत से आया था, देखा था ट्रैक्टर वो खेत में था। ये पूरा ट्रैक्टर का मिट्टी ले जा रहा है धो के, खींचता ट्रैक्टर फिर मिट्टी ले जाता है धो के। आपको दिख नहीं रहा होगा पर शायद हो सकता दिख रहा होगा, क्योंकि मैं मेरा कैमरा अभी मैं स्विच ही नहीं किया था, ऐसे ही कर दिया। ये देखिए ये ना जोतता है उसे, छूना नीचे जंग लगा है पूरा नीचे, कल रखा गया था ऐसे वहाँ पे है ना, वहाँ पे जोता जाता है मतलब ना खेत में, जब ना बीज डालने का समय आता है तो ये जोत के फिर उसके ऊपर बीज डालते हैं जब सूखा होता है, और जब ना भींगा होता है तब तो रोटावेटर से डालते हैं। रोटावेटर बाहर गया हुआ है, पूरा खाली है जगह, पहले भरा रहता था जगह, अंधेरा भी यहाँ बहुत है। और ये धान काटने वाली मशीन है, जितना भी धान होगा इसे ऊपर में डालेंगे यहाँ से, फिर ये घोल घोल घुमा के निकालेगा यहाँ से, ये दिखाता हूँ आपको, आप सबको दिखाता हूँ मैं, यहाँ से निकालेगा धान, देख रहे हैं ना सारा उसमें भूसा है, गंदगी निकलेगा। धान कहाँ से निकलता है मुझे भी पता नहीं कहाँ से निकलता है, हाँ शायद यहाँ से निकालते होंगे। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कहाँ से निकालते हैं, मुझे इतना नहीं आता ये सब पता भी नहीं है ज़्यादातर मुझे ना, और ये पता है सीढ़ी नीचे भी होता है, अरे नीचे नहीं कर सकते, सर पे सिर्फ फोड़ देंगे तो सारा नीचे कर। इसमें ना आदमी चढ़ता है ना, बहुत बड़ा है ना, इसमें आदमी चढ़ता है यहाँ पे, आदमी चढ़ता से खींच के ऊपर में जी ये बना हुआ है ना ऊपर में, इसे खींचते हैं फिर आदमी इस पर चढ़ता है, फिर ना यहाँ नीचे में धान रखा होता है, एक आदमी देता है फिर वो इसमें डालता है, फिर गोल गोल ब्लेड से घुमाता है फिर होता है। देखिए नौक लगा ट्रैक्टर ले जाता है तो कपड़ा बांधा हुआ, वरना मैं आपको एक चीज़ और दिखाता। हाँ जी ये देखिए बीच में जो ये डला हुआ है ना, यही घुमाता है ट्रैक्टर, ट्रैक्टर है ना ट्रैक्टर घुमाता है, ट्रैक्टर नहीं आपको दिखाऊंगा, इसे पूरा गंदा हो गया होगा, अजीब लगेगा देखने में। देखिए यहाँ से मैं बैठ के, चौकी है गाँव घर तो यही होता है, इतना खटिया होता है, पर ये चौकी है जहाँ पे बैठते हैं, लकड़ी का बना हुआ होता है। यहाँ देखिए यहाँ से पूरा दिखता है पूरा जंगल, वो देखिए वहाँ बेल का पेड़ है, बेल ना बेल के पेड़ में ना बहुत सारे बेल लगे हैं, वो पता है इतना बड़ा बड़ा होता है बेल, आप में से किसी लोग को पता होगा तो दिल्ली में तो मिलता है कहीं कहीं बेल, पर ज़्यादातर नहीं मिलता बेल, ज़्यादातर बेल दिल्ली में मिलता है पर इतना भी नहीं मिलता, थोड़ा थोड़ा मिलता है दिल्ली में, यहाँ गांव में तो हर जगह बेल ही बेल है। यहाँ जलेबी भी देखा है, दिल्ली में जो नहीं मिलता है फ्रूट्स वो सब यहाँ मिलता है, जैसे यहाँ जलेबी मिलता है, दिल्ली में है पर इतना नहीं है पेड़, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ जलेबी का, पर अभी कट गया है पेड़ जलेबी का, वरना मैं दिखाता, सब सड़ रहा था जलेबी का पेड़, सड़ गया तो फिर काट दिया उसको, अब ना वही ना फिर ये सड़ गया फिर ना काट दे ना, फिर यहाँ देखिए बेल का पेड़ लगा है, दो है, एक वहाँ वो है, एक ये है और ये है ना आंवला का पेड़, खाने में बहुत खट्टा होता है, बहुत खट्टा लगता है खाने में, ठंडा भी यहाँ बहुत है, समर के सीज़न में ठंड का एहसास, वाह इतनी अच्छी कहावत बना दी मैंने। कितने सारे बर्ड्स हैं यहाँ, स्विच कैमरा से दिखाता, ओ स्पैरो, हमिंग बर्ड था मतलब स्पैरो था शायद, स्पैरो था वहाँ पे, क्योंकि पानी के प्रेशर ने क्या हाल कर दिया बारिश में, रातों रात हुई थी, मुझे पता था बारिश तो होना ही होना है। हाँ खा लिया मूछ बना लिया, मूछ बना लिए नहीं 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 वो वीडियो बना रहा थी अभी तक। देखो देखिए ये बेल गए, सड़ गया बेल, यहाँ पे लाए थे हम ना, अच्छा बेल दिखाता हूँ, हम लोग ना उस पेड़ से तोड़ के लाए थे बेल, ये ऐसा होता है मारेंगे जमीन पे फिर फट जाता है, सब सुगंध ऐसा मतलब पक गया, फिर इसे इतना फोड़ते हैं जमीन पे मार के नारियल जैसे, फिर खाते हैं इसे, अंदर में जो होता है ना उस अंदर में जो फ्रूट है वो सब खाते हैं, अंदर में जो होता है गुद्दा। और आप यहाँ पे आम भी शुरू हो गए हैं लगना बहुत सारे,
वैसे गिर गए थे बिहार में, तो आप लोग बोल रहे हो कि गिर गए थे हम, पर जब गिरे थे तो ना हम लोग उसे उठा के लाए, दवाई से बना दिए, एक दवाई आ गई उससे बना दिए हम लोग, नाम मैं भूल रहा हूँ, उस दवाई से हम बनाए। आपको एक स्पैरो दिखाते हैं, स्पैरो भी दिखाई नहीं दे रहा, कभी स्पैरो दिखाई देगा ना तो मैं दिखाऊंगा स्पैरो, आवाज़ तो आ रही है पर दिखाई नहीं दे रहा, कहीं छुपा हुआ था बस स्पैरो। देखो शायद ये पेड़ सूख गए, देखो तो बीच में कोई बर्ड है, वो रॉबिन जैसे लग रहा है, दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से मुझे, घास वो से बोला मुँह में उसके रेड है ना, मुँह के नीचे वाइट है, नाम नहीं समझ में आ रहा, याद था शायद पहले मुझे, शांति चलो देख सकते हैं बीच में, बीच में हेलो उड़ गया आसमान में। यहाँ बहुत कुछ देखने को मिलता है गांव में, दादी देखे मूछ बना रहे हैं, वहाँ पूरा धुआं हो रहा है, गांव में इतना पॉल्यूशन नहीं है इसलिए यहाँ जनरेटर भी चल सकता है, ये भी बहाना सोता है। हुआ खाना, खाना बिल्कुल धुआं हो रहा, अजीब वाला भात बन गया, धुआं होता है अजीब स्मेल है, सुगंध आती है, सुगंध ही गंदी। ठीक है खाना बनेगा तो बता दीजिएगा, पापा आएंगे तब ना, वो खेत में शायद होंगे या फिर वही गए होंगे, पापा कब तक मिलेंगे पता नहीं, पता नहीं लग लो तू गल ही ना, से खेत तक गई लिए पर आगे वाला सफर में नहीं गई, आगे सफर में गई ना, मन नहीं छे, अरे जाते नहीं छे, चार दिन और रह बे, पांच छह दिन और रह बे, शायद पांच दिन और रह बे गांव में, से चार दिन रह बे गाइस, चार दिन रहेंगे यहाँ पे, ट्रेन में रहेंगे। अब मैं इस ब्लॉग को मैं एंड करता हूँ, दी एंड, ओके बाय गाइस, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इस वीडियो को पहले देखने के लिए उन्हें की दवा ना भूलें, ओके बाय, अच्छे अच्छे कमेंट करना, मैं आपको जवाब दूंगा आपसे कमेंट के, बाय बाय।